नमस्ते। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज 67वां दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, साथ में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य मंत्रीगण तथा मुख्य अतिथि उपस्थित है। साथ ही साथ इधर आप देखेंगे तो VIP गेस्ट और लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तथा वो सभी छात्र छात्राएं मौजूद है जिन्हें आज मेडल्स मिले हैं। कुल 198 मेडल्स आज वितरित किए गए हैं और साथ ही साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के इस वर्ष पास आउट हुए छात्रों का डिग्री भी डिजी लॉकर ऐप पर अपलोड कर दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं आज का ये पूरा कार्यक्रम।
ठीक ठीक तब तक हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे साथ सबसे अधिक मेडल प्राप्त करने वाली छात्रा है शैलजा चौरसिया जी। ये बताइए क्या पढ़ाई करती है और कितना पढ़ाई करती है? कितना तो नहीं पता, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है फिलहाल। एमएससी मैथमेटिक्स में मुझे 13 मेडल्स मिले हैं और पढ़ाई करने का कोई टाइम नहीं है, हर टाइम ही पढ़ाई करने का है। अब यह आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब पढ़ना है। ये 13 मेडल मिले हैं, किस किस चीज के लिए मिले हैं और कैसे मिले हैं? 10 गोल्ड मेडल हैं इसमें एमएससी मैथमेटिक्स में हाईएस्ट स्कोर करने के लिए मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और भी कई प्रोग्राम से, और 2 चांसलर सिल्वर मेडल हैं यूनिवर्सिटी में बेस्ट स्टूडेंट होने का और एक बेस्ट वुमेन स्टूडेंट होने का, और एक ब्रॉन्ज है। बताइए कि महसूस करिए आज के पूरे लखनऊ विश्वविद्यालय में मेडल पाना ही बड़ी बात है, मेडल में भी सबसे ज्यादा मेडल। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट राइट नाउ। मुझे लगता है ये आपके छोटे छोटे जो आप एफर्ट्स करते हैं, आपका जो लॉन्ग का हार्डवर्क होता है, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है, तो शायद ये मेरे हार्डवर्क का एक अच्छा रिजल्ट था। अच्छा रिजल्ट था। माता पिता कैसा महसूस कर रहे हैं आज जब आपने बताया कि आज मैं जा रही हूँ मेडल लेने और वो भी सबसे पहले सबसे अधिक? वो मेरे साथ थे और उनको भी स्टेज पर बुलाया क्योंकि मैम ने, तो वो बहुत खुश थे। वो तो घर से आ रहे हैं, मेरा घर खीमपुर में है और मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ लखनऊ में, तो दे वर वेरी हैप्पी एंड खुशी देकर मेरी खुशी दोगुनी हो गई। क्या बनना है आगे भविष्य का, क्या लक्ष्य? अभी फिलहाल तो मेरे एग्जाम्स लगे हुए हैं आरबीआई और एसएससी के, तो अभी मैं उन पे फोकस कर रही हूँ, बट अगर आप पूछें एक लॉन्ग रन तो मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है और यही मेरा ड्रीम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। थैंक यू सो मच। जब मेडल वितरित हो रहा था तो जो दूसरे स्थान पर जिन छात्रा को बुलाया गया जिसको सबसे अधिक मेडल मतलब दूसरे स्थान पर मिला, वो अभी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका और किस किस चीज के लिए मेडल? मेरा नाम है रीमा चौधरी और मुझे मास्टर्स में मिला है 8 मेडल इन आर्कियोलॉजी और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, और अभी मेरा बैचलर्स भी यहीं से हुआ था इन सेम आर्कियोलॉजी और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, तो सारे 8 मेडल टॉप करने के लिए मास्टर्स में। कितना देर पढ़ाई करती है घर पे? 4 घंटे। बस 4 घंटे। देखिए मेरा फंडा यही था कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा, प्रोफेसर हमें पढ़ा दे रहे हैं, हम घर जाके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, हमारे डाउट्स रहते हैं हम उसे आके अपने प्रोफेसर के पास क्लियर कर लेते हैं, तो वही चीज़ मैंने अपनाई और वही चीज़ मैं एग्जाम्स में भी करके आई हूँ, तो बस उसका नतीजा ये है। उसका नतीजा ये हुआ कि 4 घंटे में 8 मेडल। उसका नतीजा यही हुआ 4 घंटे में 8 मेडल। दुगना नतीजा। ये बताइए तो लोग कहते हैं कि हम 10-10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उनका कुछ नहीं होता है, आप 4 घंटे बता रही हो पढ़ती है। देखिए यही चीज़ है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो चाहे हमारा एक दिन में क्लियर हो सकते हैं या काफ़ी दिन लग सकते हैं उसमें, तो ये बच्चों के लेवल पे डिपेंड करता है, हम हर किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक चीज़ को साथ में कर सकेगा। ठीक है। अच्छा आगे क्या आपका लक्ष्य है, क्या बनना चाहती है? अभी तो मैं PhD की प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसके साथ साथ सिविल्स की भी प्रिपरेशन चल रही है मेरी, तो दोनों साइड बाई साइड चल रही है। और ये बताइए कि जब आप दूसरे स्थान पर गई मंच पर तो हमको लग रहा है आपके पेरेंट आपके साथ थे उस समय, लेकिन जो अन्य रिश्तेदार हैं घर परिवार के और सदस्य हैं वो लोग जब लाइव देख रहे होंगे, आप कैसा महसूस कर रही थी? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यही बात है कि जब पहली बार पता चला कि इतने मेडल्स मिल रहे हैं तो मुझे पता नहीं था, मुझे खुद एक न्यूज़ एजेंसी से कॉल आया कि आपको इतने मेडल्स मिल रहे हैं। अच्छा वही चीज़ तो पूरे घर में बात, सब लोग इतनी खुशी हुई, सब पार्टी लेना चाहते हैं, सब पार्टी देना चाहते हैं, और यही काफी माहौल खुशी का माहौल रहा ये 1-2 हफ्ते, लगता है ये और 1-2 हफ्ते चलेगा लाइव स्ट्रीम देखने के बाद सब लोग वही रहेगा। आज तो आपके पूरे रिश्तेदार नातेदार घर परिवार के लोग यही व्हाट्सएप स्टेटस लगाए होंगे, फोटो तो सब पेरेंट्स ने भेज दिए, मामा मामी सब लोगों को वो लोग कांग्रेचुलेशंस भेज रहे हैं, वो लोग अपने स्टेटस में लगा रहे हैं,
तो बस यही है, बधाइयों का सिलसिला जारी है। चली है वो तो पिछले दो हफ्तों से जारी है सिलसिला बधाइयों का, अभी और चलेगा चलेगा। चलिए लखनऊ वाले की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र परिषद की अध्यक्ष हैं, जिनको गोल्ड मेडल भी मिला है। और किस चीज के लिए मिला है? जी मुझे व्हाइट मेमोरियल गोल्ड मेडल मिला है फॉर बीइंग द बेस्ट इंग्लिश स्टूडेंट ऑफ द कैनिंग कॉलेज फॉर एमए 2024। कैसे मैनेज करवा रही थी यूएमएससी को भी और साथ ही साथ पढ़ाई को भी? मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल मेरे प्रोफेसर्स का, आप जैसे लोगों का है, आप जैसे लोग हमारे साथ रहे, हमें हमेशा सपोर्ट किया और बहुत सारा प्रोत्साहन दिया, तो और थोड़ी बहुत आई थिंक ऊपर वाली की बहुत ज्यादा कृपा है मुझ पे। जी घर वालों का? वाले जरूर, मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा दिली ख्वाहिश थी मुझे वो एक गोल्ड मेडल मिलते हुए देखे, और आज वो आई है बहुत खुश है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनको खुशी दे पाई। ऐसा नहीं लगा कि यूएमएससी में होकर के लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष यूएमएससी के होने के बाद पढ़ाई के साथ साथ कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। और एमएससी के मुझे तो लगता है एमएससी का रोल ये बहुत बड़ा रहा है कि उसके थ्रू हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, तो वो मैं कभी माइनस तो नहीं रहा, प्लस ज़रूर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली, मैं और ऐसे लोगों से मिली, जैसे हमारे काउंसिल में और ऐसे बच्चे थे जो पढ़ाई के साथ साथ और सब चीज़ों में बहुत माहिर थे, तो वो हमेशा ब्लेसिंग रही है। अब तो बताइए अब क्या, अब तो पढ़ाई ये मास्टर कंप्लीट हो गया, अब क्या करने का लगता है? जी अब मुझे पीएचडी करनी है और अभी मैं पीएचडी एडमिशन्स का वेट कर रही हूँ, तो जैसे ही कहीं पे मैं चाह रही हूँ कि मैं यहीं से करूँ, बट देखते हैं अगर यहाँ मिल रही है या फिर कहीं अच्छी जगह से, तो अब पीएचडी का इंतजार है। जी मेरा नेट जेआरएफ थर्ड सेमेस्टर में ही हो गया था, तो वो भी अच्छी बात है। हमको एनसीसी में, एक सेकंड आ जाइए, अंशिखा तिवारी, ये आपको हमको लग रहा है वाइस चांसलर गोल्ड मेडल मिला है? वाइस चांसलर गोल्ड मेडल मिला है। उसमें आपका वाइस क्या नाम है? अंशिखा तिवारी जी। अंशिखा तिवारी कितना समय देती है एनसीसी को और कितना समय पढ़ाई को? एनसीसी को तो काफी समय देती हूँ, पर एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है, वरना फिर एकेडमिक छूट जाता है, तो दोनों का बैलेंस बन जाता है। बैलेंस कैसे करती है? हो जाता है, क्योंकि अब एनसीसी की जो क्लासेस होती है वो थोड़ा सा एक हफ्ते में दो दिन होता है, तो कैंप्स वगैरह में थोड़ा ज्यादा जाता है, पर हो जाता है मैनेज, थोड़ा एकेडमिक्स में ज्यादा टाइम दे दो जब एनसीसी से खाली होता है तो। खाली होता है पढ़ाई है, हम सुनते हैं कि एनसीसी वालों का छूट जाता है, सेमेस्टर एग्जाम कई बार होते हैं और कहीं और जाना भी होता है। छूट जाता है, थोड़ा सा छूट जाता है, पर वो डिपेंड करता है, कि आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो। सब लोगों को एक मैनेजमेंट स्किल आ जाती है एनसीसी वालों में, वो कर लेते हैं मैनेज धीरे धीरे, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, तो इसीलिए वो मैनेज। आप तो शरीर से बड़ा दुबली पतली है, कैसे कर लेती है इतना फील्ड में? हो जाता है सर, हो जाता है। क्या बनना है भविष्य में? सर ऑफिसर बनना है, सीडीएस के लिए अप्लाई करना है। सीडीएस के लिए अप्लाई करना है। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर पापा मेरे एसएचओ हैं इलाहाबाद में, यूपी पुलिस में, और मम्मी मेरी हाउसमेकर हैं। आप माता जी हैं जी। कैसा महसूस कर रही हैं आपको बेटी को गोल्ड मेडल मिला है? अच्छा फील कर रही हूँ। देख सकते हैं कि इनके माता जी हैं और इनके माता जी भी साथ में आई हुई है और इनके जी पढ़ाई में बीच तरह आगे बढ़े। आप काफी भावुक हो रही है। भावुक मत होइए, ये तो खुशी की बात है ना? कि सही बात है, इसीलिए ये खुशी की बात है कि आप देखिए आपके बेटे करती है, एक बजे रात तक पढ़ाई करती है, पढ़ाई करती है और उसके बाद यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में भी काम करते हैं। हम तो मना करते हैं कि मत जाया करो, छोड़ो, बीच में छोड़ दें एनसीसी, क्योंकि दिन रात का मेहनत, रात की दिन में भी सोने का टाइम ना, खाने का टाइम इसको। आप काफी परेशान होती हो? मतलब देख के कि समय से ना खा रही है ना पी रही है। तो आप इनके साथ रहती है? हाँ मेरे साथ ही रहती है भाई, मेरे लखनऊ में मकान है, मेरे ही घर है, नहीं हम यही हैं। तो जब ये कहती हैं, आप इनको समझाती हैं कि थोड़ा सा नहीं समझती है और पहले उठ के चाट जाएगी, जबकि मम्मी सो रहे तो निकल जाओगी धीरे से। एनसीसी के लिए अंदर से देश की सेवा करने की इच्छा, क्योंकि हमारे फादर्स भी पुलिस में हैं, मेरे हस्बैंड भी पुलिस में हैं, मेरे सब पुलिस में है। मतलब एक तरीके से वर्दी पहनने का शुरू से शौक है? शौक है, शौक है, शौक है। अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि आज ये इसके भी पापा हैं, दोनों लोग मतलब के पापा जी हाँ पुलिस में और अब ये फौज में जाएंगे, वो भी अफिसर। हाँ उन्हें मतलब तैयारी में लगी है, देखिए आगे आशीर्वाद। तो इनके भी पिताजी तो देखे होंगे यूट्यूब पर लाइव, जिस प्रकार वो ड्यूटी कर रहे होंगे, अभी वहाँ सोराव थाने में इस समय थाना एसओजी चार्ज पर रहे थे, इसलिए वहीं से वो देख रहे थे, वो आ नहीं पाए। मैं आई तो गवर्नर महोदया ने जिस प्रकार से मेडल दिया, नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा, बधाई भाई, बच्चों को तो ढेर सारी बहुत मेहनत की है, मेहनत आज रंग लाई है। रंग लाई है।
तो अभी हमारे साथ एक और छात्रा है जिनको गोल्ड मेडल मिला है। किस चीज के लिए गोल्ड मेडल मिला? मुझे MSc एंथ्रोपोलॉजी में डिसर्टेशन के लिए गोल्ड मेडल मिला है। मुझे डॉक्टर इंद्रजीत गोल्ड मेडल मिला है। डिसर्टेशन के लिए क्या होता है? डिसर्टेशन एक काइंड ऑफ फोर्थ सेमेस्टर, जब हम लोग का फाइनल सेमेस्टर होता है तो हम लोग को फील्ड पे भेजा जाता है रिसर्च के लिए। तो हम लोग को एक महीने के लिए रिसर्च प्रॉपर वर्क करते हैं और फिर वहाँ पे फिर जब हम लौट के आते हैं तो पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, उसको सबमिट करते हैं। हमारा काम जो सबमिट होता है उस बेसिस पे हमें गोल्ड मेडल मिलता है। हाँ जी। टॉपर कौन है आपके क्लास में? हमारी क्लास को वैसे तो देखा जाए ओवरऑल टॉपर हम ही हैं, पर MA टॉपर आशा पांडे हैं। तो आप MA कर रही हैं? नहीं, हम MSc कर रहे हैं। MSc कर रही हैं? हाँ जी। तो मतलब दोनों को कंबाइन करके मिलता है? हाँ जी, हमारे डिपार्टमेंट में MA MSc दोनों कोर्स चलता है। अच्छा। तो दोनों को कंबाइन करके मिलता है। कैसा महसूस कर रहे हैं गोल्ड मेडल पाकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा ही लगेगा, मेहनत जो सफलता अपनी रंग लाती है तो फिर अच्छा ही लगता है। सबको अच्छा लगता है। घर वाले, परिवार वाले या रिश्तेदार क्या बोले? सब खुश हैं और उनके लिए तो कुछ नया नहीं है। अच्छा, घर वालों के लिए कुछ नया नहीं है? उनके लिए कुछ नया नहीं है। उनका बचपन से आप ऐसे दिखाते आए उनको अपना टैलेंट? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही बचपन से ऐसे चलता रहा। एक नया एडिशन हो गया बस, और कुछ नहीं। हाँ जी। क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं? अभी लक्ष्य तो UPSC एस्पिरेंट है, तो IAS बनने का सपना देखा है। अब देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। पहुँच गए तो बहुत ही अच्छा है, फिर मुलाकात होगी आपसे। तो ये थी सौम्या सिंह जी। क्या नाम है आपका? शिवानी देवी। आपको किस चीज के लिए मेडल मिला है? और हम देख रहे हैं दो दो मेडल मिला है। यस सर। किस चीज के लिए मिला? हिंदी में मिला है। हिंदी में मिला है, हिंदी विभाग के लिए, हिंदी विभाग में टॉप करने के लिए। यस सर। और दूसरा मेडल? दोनों है। दोनों उसी के लिए मिला? दोनों उसी के लिए। अच्छा, आगे आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? पुलिस में जाएंगे। पुलिस में? अच्छा। और क्या नाम है आपका? शिवानी देवी। क्या नाम है आपका और किस लिए आपको मेडल मिला है? सर, मेरा नाम प्रतिभा खत्री है और मैं 5th ईयर LLB ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। मुझे LLB ऑनर्स 5th ईयर में हूँ मैं। मुझे LLB ऑनर्स में बेस्ट स्टूडेंट हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए मेडल मिला है, चांसलर्स ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, तो LLB कर रहे हैं, तो आगे का क्या लक्ष्य है? सर, आगे मुझे जुडिशरी की प्रेपरेशन करनी है और जज बनना है। जज बनना है। अभी कैसा महसूस कर रही हैं आज जो गवर्नर महोदय के सामने आपको मेडल मिला? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा सम्मान मिला है। आज का दिन तो लग रहा है कि एकदम जिंदगी भर याद रहने वाला मेमोरेबल डे हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और लोगों से बात करेंगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर अहमद है और मैं BFA 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ फाइन आर्ट से। जी, तो मुझे BFA में 3 साल लगातार टॉप करने के लिए, हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए चांसलर्स ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये बताइए कि BFA कोर्स जब आप कर रहे हैं जी, क्या आगे का लक्ष्य है? जी देखिए, ये एक क्रिएटिव फील्ड है हमारी, जैसे फील्ड टेक्सटाइल डिजाइन की है, तो हम जितने भी टेक्सटाइल्स हैं, जितने भी कपड़े हैं, जितने भी आप कह सकते हैं, जितने भी जहाँ पे आप कपड़ों का व्यवसाय देखते हैं, कोई भी ऐसा वो देखते हैं, तो उनकी डिजाइनिंग का मेन कोर्स हमारा है। तो जो डिजाइनिंग का है, ये कपड़े की क्वालिटी का है, वो सारी चीजें हमारी हुआ है। तो ये मुझे लगता है आगे चल के बहुत फ्लरिशिंग वो होने वाली है, क्योंकि आज की डेट में रोज फैशन बदल रहा है, रोज चीजें बदल रही है, तो उस चीज का हमें लाभ उठाना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहिए। जो नए लोग हैं, मैं उनसे यही कहूंगा जी, काफी लोग इस कोर्स के बारे में जानते हैं और ये, हाँ, ये लोग अभी जानते भी नहीं है। और मेरे ख्याल से इस कोर्स से जितना जुड़े, जितने क्रिएटिव लोग हैं जिनको डिजाइनिंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, इसमें आप कई माध्यम का यूज करके कई सारे काम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, BFA के छात्र थे और लोगों से बात करके यहाँ पर बड़ी संख्या में वो छात्र छात्राएं मौजूद है जिन्हें आज मेडल्स मिले हैं, और सबसे ज्यादा संख्या लड़कियों का है, जाहिर सी बात है। क्या नाम है आपका? इति त्रिपाठी। अच्छा, आपके लिए, आपको किस चीज के लिए मिला, जरा मेडल दिखाइए। जी, मेरा MA मैथमेटिक्स में। MA मैथमेटिक्स में टॉप करने के लिए? जी। अच्छा, तो आपका लक्ष्य क्या है, आगे क्या करना चाहती है? अभी तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। हाँ। आगे फिर देखते हैं आगे। अच्छा, आज कैसा महसूस की जब आप मंच पर गई और आपको कुलाधिपति महोदया के सामने, गवर्नर के सामने मेडल दिया गया? बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था जी, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में जी। क्या नाम है? अखंड प्रताप सिंह। किस लिए आपको गोल्ड मेडल मिला है? ये लेबर लॉ में मुझे मिला हुआ है। लेबर लॉ क्या होता है? ये श्रम कानून। क्या पढ़ाई करते हैं? मैं LLB कर रहा हूँ, मेरा अभी 4th सेमेस्टर हुआ है, मैं 5th सेमेस्टर में आ गया हूँ। जी, आगे का क्या लक्ष्य, क्या करना चाहते हैं? आगे मुझे PCSJ करना है। PCS जी, लक्ष्य बड़ा है जी, मेहनत भी उसी हिसाब से कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा। और घर में कैसे आज, मतलब लोग थे कैसा जब घर से निकले बता करके कि आज हमें मेडल मिलेगा, वो भी राज्यपाल महोदय के सामने? मैं रहने वाला तो लखीमपुर खीरी का हूँ, तो मेरे घर से कोई आ नहीं पाया, लेकिन अच्छा। जो है मैं सबने YouTube पे देखा हुआ है लाइव जो है, तो बहुत ही खुश हैं सब लोग कि आज जो है, मतलब मेरा पहला अकेडमिक मेडल है जो है, तो मैं आगे और मेहनत करूंगा कि ऐसे ही अचीवमेंट और भी मैं अचीव करूँ। क्या नाम है आपका?
अदिति वाजपेयी। किस लिए आपको मिला, हमको देख रहा है तीन तीन मेडल मिले हैं, गोल्ड मेडल। तीन मेडल मिले मुझे, बेसिकली जियोलॉजी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स के लिए मिले। अच्छा, तीनों उसी के लिए मिले जी। कितना पढ़ती है? थोड़ा अच्छे खासा पढ़ते हैं सबको। कितना घंटा पढ़ते हैं? घंटा देख के नहीं, टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। टॉपिक मेरा कवर। एवरेज कितना पढ़ते हैं? एवरेज कहते हैं कि 24 घंटे में से 20-20 घंटा कोई नहीं पढ़ता है। एक्चुअल में होता कोई नहीं पढ़ता है, 3-4 घंटे सफिशिएंट होते हैं। 3-4 घंटा में आप इतना टॉप कर लीजिए, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती तो कर लेते हैं। क्या बनने का लक्ष्य है आपका? मुझे साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट जी, मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय का भी नाम बहुत ऊंचा करने वाली है। जी बिल्कुल, कोशिश तो है। कोशिश है। कैसा महसूस हुआ जब स्टेज पर चढ़ी? बहुत अच्छा लग रहा था। घर परिवार के लोग क्या बोले आज? सब बहुत खुश थे। जी बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम आयुष चौहान है। किस लिए आपको मेडल मिला? ये मैं डॉक्टर चक्रवर्ती गोल्ड मेडल फॉर द सर्विस 2024 मिला है। इसमें एजुकेशनल प्लस सोशल सर्विस और प्लस कल्चरल एक्टिविटीज में और हॉस्टल में रहने का मिलता है। और मतलब हॉस्टल एक मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये है कि प्रेफरेंसिएबल होता है जी। तो ये बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है, क्योंकि आप जब हमको याद है कि जब स्टेज पर चढ़े तो काफी सारी तालियां ज्यादा बज रही थी। जी जी, मैं बीते 5 सालों से मैं हबीबुल्ला छात्रावास में रह रहा था। अच्छा। और बीएससी भी मैंने यहीं सीखी, फिर एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने यहाँ से कंप्लीट किया, और लगातार मैं एनसीसी में भी सीएम गोल्ड मेडलिस्ट रहा। अच्छा। तो वहाँ से सोशल सर्विस का जो एक तरीके से मोटिवेशन होता है वो मुझे लगातार मिला, और उसी के कारण मुझे 5 साल का समय लगा, लेकिन आज इतने बड़े जो यूनिवर्सिटी का प्रेस्टिजियस मेडल है डॉक्टर ज्ञानेन्द्र नाथ चक्रवर्ती गोल्ड मेडल मुझे मिला, और आगे भी ये जो मेडल है वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं सोशल सर्विस से जुड़ा रहूं, जिसके कारण मैं सिविल सर्विस में जाने के लिए तत्पर हूं। धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका, और हमको दिख रहा है कि आपको तीन तीन मेडल मिले हैं? जी, माय नेम इज आरची श्रीवास्तव। किस लिए ये मेडल्स मिले हैं इतने सारे? एम कॉम डिग्री में मैंने टॉप किया है, मास्टर ऑफ कॉमर्स में, तो इसलिए मुझे तीन मेडल मिले हैं, क्योंकि तीन अलग अलग कैटेगरी में आई हैव टॉप, दैट्स व्हाई। तीन कैटेगरी में आपने टॉप किया, इसलिए तीनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिले हैं जी। कैसा महसूस हो रहा? वेरी एनर्जेटिक, वेरी प्राउड मूवमेंट एंड वेरी। स्टेज पर गई गवर्नर महोदया के सामने, गवर्नर महोदया ने आपको मेडल्स दिए होंगे, डिग्रियां दी होंगी, घर वाले और परिवार के क्या रिएक्शन रहा जब आपको घर वालों को पता चला कि आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, वो भी गवर्नर महोदया द्वारा? जी बहुत ज्यादा सब लोग खुश थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, और ऑब्वियसली बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए भी ऑब्वियसली। क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? आई वांट टू बिकम अ प्रोफेसर इन कॉमर्स सब्जेक्ट। अच्छा, तो अभी नेट जा रहे जी, जी और पीएचडी भी करना चाहती हूँ मैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के साथ साथ साप्ताहिक दीक्षांत कार्यक्रम भी मनाया गया, जिसमें दो छात्र अभी हमारे साथ मौजूद है जो संस्कृति के माध्यम से अपनी कई सारी कार्यक्रम भी आयोजित किए। प्रतीक है, आर्यल है, ये दोनों लोग के साथ साथ अन्य लोग भी शामिल थे। प्रतीक, कैसा रहा ये साप्ताहिक कार्यक्रम? देखिए, आज का कार्यक्रम तो हुआ ही भव्य, लेकिन इससे पहले जो रंगारंग कार्यक्रम जितने भी हुए उन सबको आयोजित कराने में सांस्कृतिक तरफ से आयोजित कराया गया, तो हम दोनों लोगों ने विशेष योगदान दिया। देखिए, बात यह है कि कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य हुए, जैसे गुजरात का गरबा हो रहा है, महाराष्ट्र का लावणी हो रहा है, इवन विदेशों से भी लोग बाग आए, जैसे विदेशी नृत्य भी हुए। विदेशी लोग, अभी एक विदेश का लड़का आके गा रहा था, वो 3 दिन लगातार गाया, इतना पसंद किया गया। तो ऐसे करते करते अलग अलग प्रकार के कुल मिला के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, और उन कार्यक्रमों में 3 दिन तक मन संचालन मैंने खुद किया है। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन वीसी सर ने अपना स्वयं का वक्तव्य दिया, वक्तव्य छोड़िए, वीसी सर ने कविता पाठ किया, और वो प्रोफेसर्स की कवि गोष्ठी थी, उस कवि गोष्ठी में भी एंकरिंग का काम मैंने किया। आर्यन, आपका कैसा अनुभव रहा? इसे बहुत अच्छा आते हैं आप। जी जी बिल्कुल, इसे बहुत अच्छा लगा। विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार ऐसे प्री कन्वोकेशन सेलिब्रेशन जैसे सेलिब्रेट कराया गया, और जैसे जिस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में हम दोनों को योगदान रहा है, वही विश्वविद्यालय के सबसे श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट सभागार माधवी सभागार जैसे सभागार को संचालन एवं संभालने में कार्यक्रम हम लोग कराए गए, इसके ये सब चीज़ें हम लोग लिए बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आपने देखा किस प्रकार से लखनऊ विश्वविद्यालय का आज 67वां दीक्षांत समारोह समाप्त हो गया। बड़ी संख्या में इधर छात्र छात्राएं मौजूद थे, उनके साथ उनके अभिभावक भी मौजूद थे, और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदया भी मौजूद थी, साथ में मंत्री और मुख्य अतिथि मौजूद थे स्टेज पर।
अब ये कार्यक्रम पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। हमने तमाम छात्र छात्राओं से बात किया जिन्होंने मेडल प्राप्त किए थे, गोल्ड मेडल, और सबसे अधिक प्राप्त करने वाले गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं से भी हमने बात किया। पूरी वीडियो के बारे में, पूरी बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है विवेक। अभी अब लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद।